वेब सीरीज पंचायत का नया सीज़न 28 मई से अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने लगा है। कैसा है सीज़न 3, आज बात इसी पर। इस सीरीज़ की कॉमेडी कैसी है इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये पूरी तरह से चैप्लिनिस्क भी नहीं है, ये साशा बैरन कोहेन की कॉमेडी भी नहीं है, ये रोवन एटकिंसन की मिस्टर बीनिश कॉमेडी भी नहीं है। हाँ, एक ढंग में हम इसे डम्ब एंड डम्बर का माइल्ड वर्जन कह सकते हैं या उसका रियलिस्टिक वर्जन कह सकते हैं। ग्राम्य जीवन का ऐसा पिछला रेफरेंस मुझे डायरेक्टर दलाल गुहा की 1975 माई फिल्म प्रतिज्ञा में दिखता है। वो एक्शन कॉमेडी एक ट्रक ड्राइवर अजीत की कहानी थी जिसे धर्मेंद्र ने प्ले किया था, जो एक डाकू से बदला लेने के लिए एक गांव में नकली थानेदार बन के जाता है और वहां थाना स्थापित करता है और सारे शराबियों को, सारे खलिहरों को, सारे सेवकों को, नौकरों को पुलिस में भर्ती कर लेता है। केशव मुखर्जी, जॉनी वॉकर, जगदीप और धर्मेंद्र हंसा हंसा के ऐसा आपको सीटों से पटकते हैं कि उसकी कोई तुलना नहीं है। कुछ वैसा ही प्यार पंचायत के किरदारों से आपको हो जाता है। प्रतिज्ञा से या बाकी किसी भी दूसरे कॉमेडी के रेफरेंस से पंचायत या उसका सीजन 3 बे इंतहा अलग है। पंचायत एक स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी है, यानी जैसे लोग असल ज़िंदगी में आपको मिले होंगे वैसे ही पंचायत सीरीज़ में आपको मिलेंगे। कहीं कुछ नकली नहीं होगा, जिन्हें देखते हुए आपका ध्यान ज़रा भी नहीं हटेगा। ये पात्र डम तो नहीं है, लेकिन इतने भोले ज़रूर हैं कि कुछ एक्सट्रीम वो नहीं करेंगे या खून खराबेदार इनके बीच कभी कुछ नहीं होता है। सीज़न 3 के अंत में कुछ सिर ज़रूर फूटते हैं, लेकिन वो भी रियलिस्टिक ही रहते हैं। हालांकि पंचायत में कुछ गालियाँ हैं, लेकिन फिर भी अगर फैमिली ऑडियंस रिकमेंडेशन मांगती है कि क्या कुछ ऐसा देखा जा सकता है जो हंसाने गुदगुदाने वाला हो, हल्का फुल्का हो और परिवार के साथ कि आप देख सकते हो, तो एक बार के लिए सोचना पड़ता है कि OTT स्पेस में ऐसा क्या रेकमेंड किया जा सकता है। और वहां फिर अल्टीमेटली दो नाम आपके जहन में उभरते हैं, पंचायत और गुल्लक, ये शीर्ष पे रहते हैं। भारतीय टीवी या वेब सीरीज स्पेस में इतनी बेहतरीन कॉमेडी कमी देखने को मिलती है जितनी पंचायत 3 है। पंचायत है दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में पंचायत का सीजन 3 कारगर है, जैसे कि पिछले 2 सीजन थे, उतना ही मुकम्मल है, मज़ेदार है, देखते रहने का मन होता है। इस बार किरदार आगे बढ़े हैं, उनकी ज़िंदगी में चीज़ें घटी हैं, उनके भीतर उनके व्यक्तित्व में थोड़े थोड़े बदलाव आए हैं, लेकिन कहानी जारी है और जारी रहेगी, ऐसा आपको सीज़न 3 के अंत में भी पता चलता है। शहरी लड़का अभिषेक, जिसे जितेंद्र कुमार ने प्ले किया है, जिसे उसका 22 लाख सिटी से वाला दोस्त प्रतीक अपने हाथों में 4 चमचमाते हुए शॉपिंग बैग्स लेके शॉपिंग मॉल में घूमते हुए एस्केलेटर पर चढ़ते हुए कहता है कि उसकी फुलेरा ग्राम पंचायत में लगी 20,000 रुपये महीना की सरकारी नौकरी एक बड़ा एडवेंचर का काम है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो कहता है कि तुझे स्वदेश का मोहन भार्गव बनने का मौका मिल रहा है, तू मिट्टी खुशबू छोड़ के मेरी तरह कॉर्पोरेट रैट रेस में क्यों फंसना चाहता है। तो वो मोहन भार्गव 2 सीजन से इस गांव में यहाँ की मिट्टी की खुशबू ले रहा है और कुड़ कुड़ कर जी रहा है, और जब जब सरपंच मंजू देवी की बेटी रिंकी से मिलता है तब तब उसे इस गांव में रहना अच्छा लगता है, अदरवाइज नहीं अच्छा लगता है, और बाकी समय उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि फुलेरा में वो रहना भी चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। खैर, सीज़न 3 में ताज़ा समाचार ये है कि जिस कंकरों वाली कच्ची सड़क पे अपनी बाइक चला के वो पहले एपिसोड में फुलेरा पहुंचा था, वो सड़क आज भी टूटी फूटी है और ये टूटी फूटी सड़क सीज़न 3 में बड़ा मसला बन जाती है और अंत तक रहती है। मंजू देवी का किरदार, जिसे नीना गुप्ता ने प्ले किया है, वो पहले सीज़न में कहती थी कि क्या आप लोग हर समय राजनीति की बात करते हैं, वो मंजू देवी अब पक्की राजनीति से बनती जा रही है, इसका आभास हमको होता है। भूषण, जो मंजू देवी के सामने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का मन बना चुका है, वो एक मजबूत विपक्ष की शक्ल में उभरता है। प्रधान जी, जिसको रघुवीर यादव प्ले करते हैं, बीच बीच में वो अकेले पड़ जाते हैं इस सीज़न में, उनका मन भी उछड़ता है लेकिन वो भी डटे हैं और दोस्ती कायम रहती है। विनोद का किरदार आपको याद होगा, जिसको अशोक पाठक ने प्ले किया था, जिसने पिछले सीज़न में सिनेमा की दुनिया का बेहद हिलेरियस सीन निर्मित करने में मदद की थी, जैसा कि जाने भी तो यारों में द्रौपदी के चीरहरण वाला सीन आपको याद होगा, वैसा ही सीन पंचायत 2 में हमने देखा था। हुआ ये था कि फुलेरा ODF फ्री गांव घोषित हो चुका था, लेकिन उस स्टेटस पे खतरा बन गया था विनोद, जो एक सुबह कलेक्टर के दौरे वाले दिन हाथ में बॉटल लेके शौच करने के लिए निकल जाता है और जिसे प्रहलाद चा और विकास ऐन मौके पे पकड़ लेते हैं, उसकी पैंट नीचे होती है और वो अड़ गया होता है कि आज तो हम यहीं हक के रहेंगे, क्योंकि उसकी एक मांग पूरी नहीं हुई होती है। वो विनोद अब पहले जितना ही हिलेरियस है, आपको हंसाता है, लेकिन वो पहले जितना गरीब आपको नहीं लगता है, मूड और भोला नहीं लगता है। अशोक पाठक की रियल लाइफ में जो समृद्धि हुई है सीरीज की सक्सेस के बाद, उसका एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनके किरदार में भी आ जाता है। कुछ इसका असर होता है बनराकस, यानी भूषण, जिसे दुर्गेश कुमार ने प्ले किया, उसकी संगत का। कुछ पिछले सीज़न के किरदार भी इसमें लौटे हैं, जैसे कि चक्के की कुर्सी वाला जो कांड हुआ था पहले सीज़न में,
और जिस सीन में से गजब बेइज्जती वाला आइकॉनिक संवाद निकला था वो मेहमान जी सीजन 3 में लौट के आते हैं और सरप्राइज करते हैं प्रहलाद चा, जिनकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ी ट्रेजेडी होती है सीजन 2 के एंड में। वो सीजन 3 का इमोशनल कोर बन के रहते हैं, वो बैरागी भी हो जाते हैं, पैसिमिस्ट भी रहते हैं, फिर एक जगह एंग्री यंग मैन भी हो जाते हैं और अंत में एक शार्प शूटर भी बन जाते हैं। इस सीरीज़ में चंदन कुमार की राइटिंग के जरिए हम छोटी छोटी समस्याएं देखते हैं, उनके छोटे छोटे समाधान पाते हैं, जो कि इवेंचुअली जीवन का परम सत्य एक तरीके से सिद्ध होते हैं। जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी की बावर्ची में हमने देखा है, उसी की तर्ज पर पंचायत में छोटी छोटी चीज़ों का महत्व सिद्ध किया जाता है और सीज़न 3 के अंदर बताया जाता है कि धन संपत्ति और लालच ये ज़रूरी नहीं है, रिश्ते ज़रूरी हैं और अपने लोग ज़रूरी हैं। और इस मर्म को इन चंद लाइनों के तरफ सीरीज़ बड़े भावनात्मक अंदाज से हमारे दिमाग में धंसा जाती है। सीरीज़ में कुछ सीन कमाल के हैं, क्लाइमैक्स गजब बन पड़ता है जब विधायक और गांव वाले आमने सामने हो जाते हैं, फिर मारकुटाई का एक सीन भी बाद में आता है, वो भी बिरला सीन है। एक सीन इसमें और अमेजिंग है जिसमें बम बहादुर नाम का किरदार इस सीरीज़ में आता है और उसके पैर तोड़ने के लिए दो लोगों को भेजा जाता है और ये दोनों असल में पहले भी एक सीज़न में आए थे और हंसा के गए थे और ये लोग इतने बुद्धू निरे बुद्धू हैं कि हमको होम अलोन के जो हैरी और मार्व थे उसके भारतीय संस्करण लगते हैं। सीज़न 3 में राइटिंग की सुगढ़ता थोड़ी सी कम हुई है, उसको एक्टर्स अपने इम्प्रोवाइजेशन से और अपने लहजों से भरते हैं। इस बात को पर्याप्त स्ट्रेस देकर नहीं कहा जाता है कि रघुवीर यादव इस सीरीज़ का आधार हैं, वे वो प्रमाणन है, वो सर्टिफिकेशन है जो इस सीरीज़ को न मिलता तो ये सीरीज़ एक क्लासिक का दर्जा पाने की ओर न बढ़ रही होती। उनका जो हहंकारा करना और ए ससुरा कहने का जो तरीका है उससे संवाद बन जाता है, इतना बोलने मात्र से ऑथेंटिसिटी आ जाती है। ऐसा लगता है कि उनका जो प्रधान जी का किरदार है वो लगान के भूरा का ही पड़पोता कहीं है। सीज़न 1 में आप उनका इंट्रो सीन याद करिए जिसमें वो सुबह सुबह लोटा लेकर घूमते घामते निबटकर शर्ट पजामे में पंचायत भवन के सामने आते हैं जहाँ सचिव ने ज्वाइन करना होता है और ताला लगा होता है, उसका एक एक फ्रेम आप वापस रिविजिट करिए। आप सीज़न 1 खोलिए, सीज़न 1 का एपिसोड 1 खोलिए और वापस इस सीन को देखिए कि एक एक फ्रेम एक एक स्टेप देखिए कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ ये प्रधान जी का किरदार क्या करता है, वो क्या डायलॉग बोलता है, वो क्या लहजा बोलता है, क्या वो ध्वनियाँ अपने मुँह से निकालता है। इतना सहज नेचुरल आला ऑथेंटिक प्ले कोई एक्टर इस सीन में नहीं कर पाता। इस सीरीज़ में एक बूढ़ी अम्मा का किरदार है, उसकी एंट्री हुई है, उनके बोलने का तरीका बहुत उम्दा है, आपको लगता है कि वो कोई रियल औरत है, कोई एक्ट्रेस नहीं है। कि वो पंचायत भवन आके सचिव से कहती है कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे गरीब आवास योजना जो प्रधानमंत्री की उसमें घर चाहिए, और उसके पीछे एक कोई चाल चल रही होती है जो आपको आगे पता चलती है। विधायक चंद्र किशोर सिंह का किरदार कमाल का इस सीरीज़ में, उसका एक सीन आता है सीज़न 3 में जिसमें वो अपना प्रिय घोड़ा है उसको बेचता है, वो सीन पंकज झा के करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक है। कहना होगा कि पंकज इस सीरीज़ में अपना ड्यू पाते हैं, उनका आकार बढ़ा है एज एन एक्टर और वो इतने गलीज और इतने रियल विधायकों जैसे विधायक इसमें सिद्ध होते हैं, जिसकी बदौलत कलेक्टर से लेके पुलिस तक सब कहते हैं कि विधायक पगला आदमी, न जाने किसका वोट पाके जीत गया है। तो ये पंचायत 3 हैं, वो गांव जिन्हें मानव सभ्यता पीछे छोड़ाई है या छोड़ने जा रही है, उन्हीं गांवों में पेड़ के नीचे खाट पे सुस्ताती हुई सी ये सीरीज़ है, कमाल की हंसाने वाली सीरीज़ है। इसके टहलते धीमे धीमे आगे बढ़ते किरदार एक ऐसी कथा का हिस्सा हैं जिसे 100 बरस भी चलाया जा सकता है और वो चलेगी। पंचायत में पंचायत 3 में ज़्यादा कुछ नहीं होता है और ये ज़्यादा कुछ न होते हुए भी इसका यूँ पसंद आते जाना सिनेमा स्टोरी टेलिंग में एक मिस्ट्री भी है और एक अचीवमेंट भी है। ये बात यहीं तक, पंचायत सीज़न 3 स्वयं देखें, अपनी राय बनाएं। शुक्रिया।